हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स लेक्चर सीरीज। टुडे वी विल टेक लेक्चर नंबर 16 ऑन द मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिछली क्लास में हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिटेल्ड में स्टडी किया था। यहां पर हमने देखा था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक इनइक्वालिटी है और वो उसका फॉर्म क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, जहां पर डेल्टा एक्स इज वॉट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, दैट इज ओके। एंड वॉट इज दिस डेल्टा पी एक्स? सिमिलरली डेल्टा पी एक्स इज वॉट? आई एम नॉट राइटिंग द होल स्टेटमेंट अगेन। एंड मीन्स डेल्टा पी एक्स इज वॉट? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमने सब बात की थी, बट वॉट इज द फॉर्म ऑफ दिस डेल्टा एक्स? ये जो अनसर्टेनिटीज हमने कहा है, ये मैथमेटिकली अनसर्टेनिटीज हम कैसे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और डेल्टा पी एक्स जो है वो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? That is what our today's discussion, that mathematical formalism of uncertainty relation. इसके लिए क्या है, हम लोग डायरेक्ट यहां पर probabilistic interpretation से शुरू करेंगे और probability का idea हम mathematics से लेंगे। आप इसकी detailed study के लिए thermodynamics, एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर 22 में पढ़ सकते हैं। वहां पर मैडम ने स्टेटिस्टिकल फिजिक्स प्रारंभ करने से पहले प्रोबेबिलिटीज का एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया है। तो इस लेक्चर में जो भी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका आइडिया लेक्चर 22 थर्मोडायनेमिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स से डिटेल में लिया जा सकता है। तो यहां मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म पर बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को डाइग्रेस करके और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, या यूं कहें कि स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल स्टेटिस्टिक्स के वही एग्जाम्पल कि एक क्लास है, उस क्लास में इतने बच्चे हैं, हर एक बच्चे ने इतने इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो बताइए कि उन बच्चों के एवरेज मार्क्स क्या हैं। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि सपोज दैट इन ए क्लास देर आर एन स्टूडेंट्स एंड दे ऑल वर सिटिंग इन ए एग्जामिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में उन सभी बच्चों के अलग अलग कुछ मार्क्स आए हैं, और वो क्या हैं, N1, N2, N3, सॉरी दैट इज N तो हमने स्टूडेंट्स के लिए ले लिया है, M1, M2, M3 और MN। तो ये अलग अलग मार्क्स बच्चों ने प्राप्त किए हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स फॉर द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो एवरेज मार्क्स को हम यहां पर कैसे लिखते हैं, ये एम बार से दिखाते हैं। एक और तरीका है ऐसे ब्रैकेट में दिखाने का भी। तो एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला हम सभी को पता है कि M1 टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट्स एंड
डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का टोटल नंबर हमने पहले ही कहा था कि n है और टोटल मार्क्स उनके कितने हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, ओके। एंड दैट इज व्हाट mi, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो ये तो एवरेज मार्क्स हैं। अब मैं यदि ये जानना चाहूं कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स एवरेज से कितना दूर है और या स्टूडेंट्स के मार्क्स कितना अलग अलग हैं, दूसरे शब्दों में इस जो चीज की हम बात कर रहे हैं वो है कि स्प्रेड ऑफ द मार्क्स। मैं यहां लिखता हूं ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है यहां पर, स्प्रेड ऑफ द मार्क्स। ये क्या होती है, क्योंकि पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का है तो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि सभी बच्चों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, सभी ने, जो भी ये बच्चे हैं n, उन सभी ने समान अंक प्राप्त किए हैं और सपोज करिए कि उनके सबके अच्छे अंक आते हैं और वो m है, m पहले स्टूडेंट का, m दूसरे स्टूडेंट का और m ही nवें स्टूडेंट का, तो सभी के m मार्क्स हैं। यहां पर यदि एवरेज निकालें तो क्या आएगा, दैट इज कम्स आउट टू बी m प्लस m प्लस m n टाइम्स डिवाइडेड बाई n एंड दैट विल कम्स आउट टू बी m इंटू n डिवाइडेड बाई n एंड m। तो सेम मार्क्स प्राप्त किए हैं इसलिए उनका एवरेज भी क्या आया m, ओके। अब उनका स्प्रेड ऑफ द मार्क्स क्या है, तो हर एक बच्चे का हम निकाल के देखें तो क्या है, बच्चे के मार्क्स माइनस एवरेज मार्क्स, ये है स्प्रेड ऑफ द मार्क्स एक बच्चे के लिए। तो ये क्या है, इस बार इस स्पेशल केस में जीरो है, यानी कि यदि बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स के इस पेपर में सभी समान अंक प्राप्त करते हैं, पूरे n बच्चे एक ही मार्क्स प्राप्त करते हैं, सपोज कीजिए कि वो 100 में से 90 जो मार्क्स हैं प्राप्त करते हैं और सभी बच्चे 90 प्राप्त करते हैं, तो इसमें कोई भी स्प्रेड नहीं है, इस जो स्टेटिस्टिक्स का जो एग्जाम्पल है इसमें कोई स्प्रेड नहीं है, हर बच्चे के मार्क्स उसके एवरेज मार्क्स जो क्लास के हैं उसके बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए स्प्रेड क्या है, जीरो है। ऐसा हो नहीं सकता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हर बच्चा क्या है, इस एग्जाम्पल में चेंज करते हैं और कुछ अलग अलग मार्क्स प्राप्त करता है, एम वन एम टू एम थ्री एम एन। तो अब उसका स्प्रेड क्या होगा उसकी बात करते हैं, so the this quantity spread of the marks is represented mathematically by standard deviation, और इसे बोलते हैं सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एन तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ वन अपॉन एन समेशन ऑफ एम आई माइनस एम एवरेज का होल स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, एक बच्चे के मार्क्स माइनस एवरेज मार्क्स और उसका क्या है होल स्क्वायर और सब का समेशन ओवर द एन एंड उसका अंडर रूट, दैट इज द व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्प्रेड है मैथमेटिक्स में या स्टेटिस्टिक्स में जो बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी से पहले, वो एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन से मापा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से लिखा जाता है। और यही स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म किसमें बदल जाती है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इस रूप में बदल जाता है, ओके। तो यहां पर बात किया, एक छोटी सी बात यहां और करते हैं
कि ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स, तो इसलिए हम इसको यहां लिख सकते हैं सिग्मा एम, ठीक है। और एक यहां पर और क्वांटिटी लिखते हैं जो आप लेक्चर नंबर 22 थर्मोडायनेमिक्स में और बात करेंगे, वो है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर एम, दैट इज व्हाट दैट इज कम्स आउट टू बी, यहां पर लिखा हमने एम स्क्वायर माइनस एम एवरेज का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस है। तो अब यहीं से बात शुरू करते हैं हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए जो अनसर्टेनिटीज हमने लिखी थी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, वो क्या है, वो एक्चुअली में स्प्रेड है। किसका स्प्रेड है, मेजरमेंट के अंदर जो हमारा आउटकम आ रहा है उसका, उस एवरेज आउटकम से कितना स्प्रेड है उसका माप है। तो वहां पर हमने अभी यहां क्या बात की कि हम जो स्प्रेड है उसको किससे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से पढ़ेंगे। तो यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो हमारा डेल्टा एक्स है वो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज व्हाट सिग्मा एक्स, कि जो पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटीज है वो एक्चुअली में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, उन आउटकम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो किसी मेजरमेंट प्रोसेस में पोजीशन के अलग अलग वैल्यूज देती हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, हमने अभी बात किया कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे लिखते हैं, मार्क्स के लिए लिखा है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स के एवरेज का स्क्वायर एंड अंडर रूट या पावर हाफ। तो ये डेल्टा एक्स का यहां पर मीनिंग है। और जो अनसर्टेनिटीज है वो फिजिसिस्ट और मैथमेटिक्स मैथमेटिशियंस जो हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन से ट्रीट करते हैं। तो इसी प्रकार डेल्टा पी एक्स क्या है, इसे हम सिग्मा पी एक्स लिखेंगे और इसका मान होगा पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। तो अब ये देखिए क्या है, पी एक्स स्क्वायर का एवरेज, ये क्वांटिटी जो ये ब्रैकेट लगा रखा है हमने, ये क्या है, एवरेज का ब्रैकेट है। इसके अंदर की क्वांटिटी क्या है, पी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पी एक्स स्क्वायर का एवरेज है, माइनस दूसरी क्वांटिटी क्या है, पी एक्स का एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बता रही है कि पी एक्स स्क्वायर के एवरेज से जो पी एक्स के एवरेज का स्क्वायर घटाया है और उसका जो अंडर रूट लिया है, जो मान आया आपका, वो मोमेंटम में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मेजरमेंट प्रोसेस में वो है। और उसे ही हमने यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में किससे बताया है, डेल्टा पी एक्स से बताया है। अब ये जो हमने यहां पर मेजरमेंट प्रोसेस की बात की है इसको हम आगे डिटेल्ड में स्टडी करेंगे कुछ आने वाले लेक्चर्स के दौरान, लेकिन अभी थोड़े ब्रीफ आइडिया के लिए हम यहां लिख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो यहां पर जहां हमने ये एक्स लिखा है एवरेज, ठीक है, यहां उसको हम नाम देंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, जो एवरेज पोजीशन का है उसको हम क्या नाम देंगे, एक मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। ठीक इसी प्रकार यदि हम मोमेंटम को मेजर करने के लिए कोई मेजरमेंट प्रोसेस लगा रहे हैं तो उसके अंदर ये जो एवरेज वैल्यू है इसको क्या नाम देंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। और इनको मैथमेटिकली यहां पर फिजिक्स में हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स दैट इज नथिंग बट मॉड साई स्क्वायर एक्स साई डी एक्स। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ऐसे लिखेंगे जो एवरेज है एक्स का, और पी एक्स को कैसे लिखेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर द होल स्पेस, सिमिलरली साई स्टार पी एक्स साई डी एक्स। तो ये साई स्टार क्या है, ये वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और साई क्या है, वेव फंक्शन। एक्स क्या है, एक्स जो है
ये पोजिशन का जो मेजरमेंट ले रहे हैं हम उसके करेस्पॉन्डिंग कोई ऑपरेटर है। ये इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स हमने काम लिया है, वो हमने बार बार यही कहा है कि पोजिशन में और मोमेंटम में जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटीज है। लेकिन अब अपने दिमाग में आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अनसर्टेनिटीज जो हैं उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म स्टैंडर्ड डेविएशन से है, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स और उसका मान इसके बराबर होता है। तो ये आपके जो मेजरमेंट प्रोसेस के जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे उसमें बहुत काम आएगा, और वहाँ पर कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं फॉर्मूलाज से हम सॉल्व करेंगे। जहाँ पर जो एवरेज का काम ले रहे हैं हम, यदि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लें तो एक्स स्क्वायर का एवरेज ऐसा आ जाएगा साई स्टार एक्स स्क्वायर साई dx, और इसी तरह से px स्क्वायर का। तो इस यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो हम उनको इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, और इनको जो एवरेज वैल्यूज हैं हमने इनको कहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तो ये था हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।